बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन को एजाज़ बाबू ख़ान का सलाम अलैकुम। हमारे चैनल को देखने वाले नाज़रीन जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद महीनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि लेक्चरशिप के पहले इंटरव्यूज़ मुकम्मल हो गए, फिर उसका नतीजा आ गया, और उसके बाद कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं थी, और फिर कुछ सुस्ती और काहली की वजह से मैं बाकायदा वीडियोज़ अपलोड नहीं कर सका, जिसके लिए माजरत खा हूँ। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इंटरव्यूज़ भी इसी दौरान हुए, और कल रात उसका नतीजा भी आ चुका है, जिसमें मुतादिद साथी और मेंबर्स जो हमारे ग्रुप से वाबस्ता थे पास हुए हैं। सबसे पहले तो उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये नए ख्वाहिशात के आइंदा भी वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करते रहें। और वो उम्मीदवार जो इस इंटरव्यू में नाकाम हुए हैं, उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि दोबारा हिम्मत और जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि कामयाब उम्मीदवारों में से मुतादिद ऐसे उम्मीदवार भी थे जो लेक्चरर के इंटरव्यू में नाकाम हो गए थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मायूस नहीं हुए, उन्होंने अपनी तैयारी का सिलसिला जारी रखा, और आज वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मुंतखब हो गए हैं। तो बाकी जो रह जाने वाले उम्मीदवार हैं, उनसे एक दरख्वास्त है कि वो उम्मीदवार ख़ुद को मायूस करने की बजाय दोबारा हिम्मत बढ़ाएँ और हिम्मत करें, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा होने वाले लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के इम्तिहानात और इंटरव्यूज़ में वो भी कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो आज मेरा आपसे दोबारा मुखातिब होने का बुनियादी मकसद तो कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद देना, और नाकाम रह जाने वाले उम्मीदवार, उन्हें नाकाम तो करार नहीं दिया जा सकता, बस ये कहा जा सकता है कि वो इस इंटरव्यू में रह गए हैं, जो इंशाल्लाह आने वाले इंटरव्यूज़ में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। एक दरख्वास्त है कि अब काफ़ी दिनों से, क्योंकि बाकायदा वीडियोज़ का सिलसिला जारी नहीं था, अब आपसे सिर्फ रابطہ बहाल रखने के लिए मैंने एक इरादा किया है कि फ़िलहाल बाकायदा टीचिंग के हवाले से शायद वीडियोज़ में अपलोड ना कर सकूं, लेकिन जो उर्दू की मुंतखब शायरी है, मुंतखब शोरा के मुंतखब कलाम, वो वीडियोस की सूरत में आप तक पहुंचाया जाता रहे। इस सिलसिले में आप अपनी आरा से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा, इंशाल्लाह आपसे हमेशा ये रابطہ बहाल रखने की कोशिश की जाएगी। तमाम कामयाब उम्मीदवारों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और रह जाने वाले उम्मीदवारों के लिए सिर्फ एक पैगाम कि गिरते हैं शेसवार ही मैदान जंग में, इंशाल्लाह आने वाला वक्त में आप ज़रूर कामयाब होंगे। अस्सलामुअलैकुम।